अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, आपके पास सीएससी आईडी है और आप लोगों को सीएससी के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो सीएससी ने हाल ही में लॉन्च किया है और इसे अपने पोर्टल में इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। इस वीडियो में टोटल 4 अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये चारों ही अपडेट्स आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, साथ ही साथ आप लोगों के काम करने के तरीके को भी काफी आसान कर देगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला अपडेट है डिजिटल सेवा पोर्टल को लेकर। डिजिटल सेवा पोर्टल में जब भी आप लॉगिन करते हो तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड देखने को मिलता है। इस डैशबोर्ड में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इन्हीं चेंजेस के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। इस पोर्टल पर आप लोग अपने प्रोफाइल सेक्शन में आओगे तो आप लोगों को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्रोफाइल सेक्शन में आने के लिए आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अकाउंट वाले सेक्शन में आप लोगों को माई प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करना है। माई प्रोफाइल के इस पेज में दो मेजर अपडेट्स किए गए हैं। सबसे पहला अपडेट है एनपीएस का। आप लोग यहाँ पर देखोगे एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है एनपीएस का। अगर आप लोग एनपीएस वाले बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप लोग नेशनल पेंशन स्कीम में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हो और इसका पैसा मंथली बेसिस में आप लोगों के सीएससी वैलेट से कट कर लिया जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम क्या है इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बेसिकली नेशनल पेंशन स्कीम एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप लोग अपने बुढ़ापे में एक काफ़ी अच्छा पेंशन अमाउंट ले सकते हो हर महीने अगर आप लोग अभी अपना कंट्रीब्यूशन करते हो। एनपीएस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो में सारी क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाएगी। तो माई प्रोफाइल के सेक्शन में सबसे पहला अपडेट तो एनपीएस का है और दूसरा अपडेट है डीएम इन्फो का एक बटन यहाँ पर ऐड किया गया है। डीएम इन्फो का बटन यहाँ पर जो ऐड किया गया है, इसकी मदद से आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का डिटेल्स निकाल सकते हो। आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आप लोगों के सीएससी आईडी को हैंडल कर रहा है, आप लोगों की सर्विस को कौन एक्टिव कर रहा है, कौन डीएक्टिवेट कर रहा है, इसका सारा डिटेल्स आप लोग डीएम इन्फो में जाकर देख सकते हो। चलिए हम लोग डीएम इन्फो वाले बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टोटल 3 डीएम का नाम आ चुका है क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल 3 डीएम है और इन तीनों ही डीएम सारे सीएससी वैली को मैनेज करते हैं। सीएससी की जितनी भी सर्विसेज है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी को मैनेज करने का काम यही तीनों डिस्ट्रिक्ट मैनेजर करते हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का सारा डिटेल्स आप लोग बैंक मित्र पोर्टल से निकाल सकते हो। बैंक मित्र पोर्टल से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का डिटेल्स निकालने के लिए आप लोगों को बैंक मित्र के ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टेक्ट अस का। इसमें आप लोग डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वाले बटन पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहां से आप लोग अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करके अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का डिटेल्स निकाल सकते हो। लेकिन अब आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का डिटेल्स निकालने के लिए बैंक मित्र पोर्टल में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग अपने सीएससी पोर्टल से ही लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का डिटेल्स निकाल सकते हो। तो अभी तक मैंने माई प्रोफाइल सेक्शन के 2 अपडेट्स के बारे में आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग अपने होम पेज में आओगे यानी कि डैशबोर्ड में आओगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला अपडेट है यहाँ पर आप लोगों को सीपी ग्राम्स का लिंक ऐड किया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सीपी ग्राम्स की लिंक यहाँ पर ऐड की गई है और इस लिंक के थ्रू आप लोग पब्लिक ग्रीवेंस को रजिस्टर कर सकते हो और साथ ही साथ बहुत सारे पब्लिक को सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। सीपी ग्राम्स क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली इस पोर्टल के थ्रू आप लोग पब्लिक ग्रीवेंस को रजिस्टर कर सकते हो। पब्लिक ग्रीवेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी बैंक हो गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कहीं पर भी सरकारी काम होता है, सरकारी कर्मचारी है, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं और कोई पब्लिक परेशान हो रहा है तो वो अपना प्रॉब्लम को यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है, जिसके बाद जिन भी लोगों का जो शिकायत है वो काफ़ी जल्दी यहाँ से सॉल्व कर दिया जाएगा और उस कर्मचारी पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आप लोगों को डिजिटल सेवा कनेक्ट का भी बटन यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो। इसका भी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को तीसरा अपडेट के बारे में बता देता हूँ। डिजिटल सेवा पोर्टल में आप लोगों को और एक अपडेट मिला है। आप लोग अपने टीडीएस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। टीडीएस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए इसका डायरेक्ट लिंक यहाँ पर ऐड किया गया है। इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग अपना टीडीएस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। टीडीएस रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल करोगे जो आप लोगों के सीएससी आईडी के साथ रजिस्टर्ड है।
उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में सीएससी एसपीवी का सिलेक्शन करना है, फिर आप लोगों को क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है, कौन से क्वार्टर का आप लोग टीडीएस रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हो। उसके बाद असेसमेंट ईयर का भी सिलेक्शन आप लोग यहाँ पर करोगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करके डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों का टीडीएस रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो ये तो रहा तीसरा अपडेट, अब मैं आप लोगों को चौथा अपडेट के बारे में बता देता हूँ जो आप लोगों के काफी ज्यादा काम आने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि सीएससी के थ्रू आईआरसीटीसी एजेंट आईडी प्रोवाइड किया जाता है और आईआरसीटीसी के थ्रू रेलवे टिकट बुकिंग बुक किया जाता है, और रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए सीएससी का एक पोर्टल है, सीएससी सफर पोर्टल, जहां से आप लोग टिकट बुकिंग कर सकते हो, जिसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है किस प्रकार से आप लोग टिकट बुकिंग कर सकते हो। सीएससी सफर पोर्टल में अगर आप लोग आओगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इसका कंप्लीट इंटरफेस चेंज हो चुका है और यहां पर सर्विसेज भी ऐड किए गए हैं। आवर सर्विसेज के सेक्शन में आप लोग यहां पर देख सकते हो ट्रेन के साथ साथ फ्लाइट का ऑप्शन आप लोगों को यहां पर मिलता है, साथ ही साथ बस बुकिंग का भी आप लोगों को यहां पर ऑप्शन मिलता है, होटल बुकिंग भी आप लोग यहां से कर सकते हो, हालांकि होटल बुकिंग अभी तक चालू नहीं की गई है, और टैक्सी सर्विसेज भी यहां से आप लोग बुक कर सकते हो। टैक्सी सर्विसेज भी चालू नहीं की गई है, कुछ दिनों में ये चालू हो जाएगी तो मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग सीएससी सफर पोर्टल से टैक्सी सर्विसेज को यूज करोगे, होटल सर्विसेज को यूज करोगे, और फॉरेक्स कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही साथ टूर एंड ट्रेवल पैकेजेस का भी ऑप्शन यहां पर दिया गया है। टूर एंड ट्रेवल पैकेजेस काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और उनके पास कोई भी पैकेज नहीं होता है, तो पैकेज का भी बुकिंग आप लोग यहां से कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बताया है जो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग एक सीएससी वीएलई हैं। आशा करता हूं कि यह अपडेट्स आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।